विश्व के मानचित्र पर हमारा देश भारत हमेशा से चमकता आया है और चमकता रहेगा। हमारे इस प्राण भूमि पर लालची पाखंडी लोगों की गंदी निगाहें हमेशा से लगी रहीं। बड़े बड़े हमलावर इस देश की संप्रभुता अखंडता तोड़ने का भरसक प्रयास किया, परंतु समय समय पर पराक्रमी लोगों ने अपने यशोबल से देश के शत्रुओं का नाश कर विनाश भी किया। चाहे सम्राट हर्षवर्धन हो, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त, या चाहे दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य या उत्तर भारत के राजा त्रिलोक चंदबाजी, इन सभी ने इस देश पर हुए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके कई सालों बाद महमूद गजनवी अपने नीच इरादों से भारत के सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे लूट ले जाता है। उसी का भतीजा हरात का रहने वाला तुर्क आक्रमणकारी सैयद सलार गाजी भारत में जिहाद छेड़ता है। गंगा पार करके उसकी कदम लखनऊ की धरती पर पड़ते हैं, जहां उसको सबसे पहली लड़ाई राजपासी राजा कंस से लड़नी पड़ती है। और उसके 4 साल बाद गाजी का अंत बहराइच के पासी राजा सुहेलदेव के हाथों होता है। आज से 1000 साल पहले उस युद्ध का ये सारांश था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तर भारत में पासी जाति का शासन कहाँ था। सुहेलदेव के बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में जिसकी जानकारी कहीं भी गूगल या नेट पर नहीं मिलेगी। भारत के मानचित्र को देखते ही आप स्वयं पश्चिम में राजपूतों का, दक्षिण में मराठाओं, चोल पांडवों का और बंगाल में पालवंशी राजाओं का जिक्र आपके जहन में आता है। इन सभी में पासी जाति कहाँ केंद्रित रही है, इसका प्रश्न आपके मन में जरूर आता है। पासी जाति उत्तर भारत के अवध प्रांत क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जाति है, जो प्राचीन भारतीयों के वंशज माने जाते हैं। राजा सुहेलदेव उसी जाति में जन्मे थे। राजा सुहेलदेव की बात करने से पहले इस जाति के सबसे बड़े शक्तिशाली राजा त्रिलोक चंद पासी की बात करेंगे, जिन्होंने दिल्ली सहित पूरे अवध को जीतकर बहराइच की गद्दी की स्थापना की और नाम के आगे राजपासी उपाधि ग्रहण की। और उन्हीं के वंशजों ने आज से 150 साल पहले अंग्रेजों की विवेचना में खुद को राजा त्रिलोक चंद पासी का वंशज बतलाया था और यह भी बताया था कि कैसे पासियों ने उत्तर भारत पर शासन किया। 1918 में भर पासी साम्राज्य की स्थापना राजा लोकचंद ने कर दी थी। मध्य में भर और वही पश्चिम में राजपासी नाम से जाने गए। अंग्रेजों के समय लिखी गई किताबें इस बात की गवाही देती है कि पासी प्राचीन भर थे और भर प्राचीन भारशु। और राजा त्रिलोकचंद के 116 साल बाद जंग होती है बहराइच की। सैयद सलार गाजी और राजा सुहेलदेव का आमना सामना बहराइच की धरती पर 1033 या 34 मानी जाती है, लेकिन सैयद सलार गाजी का यह युद्ध अभियान 4 साल तक चला। जब वह दिल्ली से होता हुआ कन्नौज आया और कन्नौज से गंगा पार करके वह अवध की धरती उन्नाव दाखिल होता है और धीरे से वह आगे बढ़ता है, जहां उसका पहला मुकाबला संडीला के राजा सलीहा पासी से होता है। राजा सलीहा पासी ये राजा कंस के बेटे थे। रामायण और महाभारत के युद्ध के बाद ये सैयद सलार गाजी का सबसे बड़ा भयानक युद्ध था, इसीलिए मलिहाबाद के कसमंडी के लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के मैदान में दफन कब्रें सैयद सलार गाजी के साथियों की गवाह देती हैं। कसमंडी के भीषण युद्ध के बाद अगली लड़ाई होती है लाखनकोट की। लाखनकोट महाराजा लाखन पासी का अभेद व मजबूत किला, जो स्थित है नदी गोमती के किनारे। आपको मैं बता दूं कि लखनऊ के संघर्ष तक राजा सुहेलदेव पासी और सैयद सलार गाजी आमने सामने नहीं आए थे। अभी तो लड़ाई का प्रथम चरण था, अभी द्वितीय चरण तो बाराबंकी में होगा और तीसरे चरण में तो राजा सुहेलदेव सैयद गाजी का वध कर देते हैं। भारतीय इतिहास में यह सबसे लंबा खींचने वाला युद्ध था। 1030 में सैयद मसूद गाजी भारत में कदम रखता है और 1034 में सुहेलदेव पासी के हाथों मारा जाता है। ये जो 4 वर्षों का समय था, ये बड़ा कड़ा संघर्ष का समय था। सैयद सलार मसूद गाजी की एक विशाल सेना थी ही थी और साथ ही वह युद्ध कौशल का धनी था। पश्चिम के भारतीय राजा उसके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन जब वह अवध की धरती पर कदम रखता है तो उसको नहीं पता था कि यहाँ के रणबांकुर ऐसे हैं। जब तक अपने कसम को पूरा नहीं करते वह शांत नहीं बैठते हैं। भारत में आर्कियोलॉजी के जन्मदाता कहे जाने वाले जनरल कनिंघम ने राजा सुहेलदेव की वंशावली तैयार की थी और यह बताया था कि सुहेलदेव अपने 5वीं पीढ़ी में थे।
जो इस प्रकार है। सन 900 में मोरध्वज हुए, सन 925 में हंसध्वज हुए, 950 में मकरध्वज हुए, 975 में सधनवा ध्वज हुए और 1000 ईस्वी में सुहिरदल यानी सुहेलदेव पासी का जन्म होता है। और राजा सुहेलदेव अपने 34वें वर्ष की अवस्था में ऐसे युद्ध का नेतृत्व किया जिस युद्ध के बाद में कोई भी विदेशी 150 साल तक भारत में हमला करने की चेष्टा नहीं कर पाया। 3 सालों के कड़े संघर्ष के बाद सैयद सलार मसूद गाजी का अगला पड़ाव बाराबंकी के सतरिक में पड़ता है और फिर वहीं से वह युद्ध का नेतृत्व और संचालन करता है। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र के सभी छोटे छोटे राजाओं को जीत लेता है और आगे रुदौली बढ़ता है। बहुत बड़ा संघर्ष होता है जहां रुद्रमल पासी वीरगति होते हैं। इस तरीके से उसने कई छोटे छोटे राजाओं को हराकर अपने बल का परिचय दिया, अपनी बुद्धि का परिचय दिया। और जब इस प्रकार से जब पासी राजा सुहेलदेव को इस बार की खबर होती है तो कहा जाता है उन्होंने 21 राजाओं का एक संघ बनाया था और 21 राजाओं का संघ बनाकर एक बलशाली सेना इकट्ठा कर ली और वह कूद पड़े रणभूमि में जिसकी माटी बड़ी सुहानी थी। और अब जंग होती है बहराइच की, बैटल ऑफ बहराइच। फिर युद्ध का शंखनाद होता है, पासी राजा सुहेलदेव की सेना। यह भीषण युद्ध होता है, इतना विकट युद्ध होता है कि कहते हैं कि सैयद सलार गाजी अपने 4 साथी के साथ बच पाता है। फिर राजा सुहेलदेव उसका पीछा करते हैं और सैयद सलार गाजी चूहों की तरह कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है और जंगल में जाके एक कुएं में छिप जाता है। फिर अचानक से राजा सुहेलदेव की नज़र उस पर पड़ती है और राजा सुहेलदेव पासी उसको अपने तीर से निशाना बनाते हैं और वहाँ सैयद गाजी की यही लीला ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद महाराजा सुहेलदेव पासी भगवान शिव के उपासक थे और साथ ही उपासक थे सूर्य के। राजा सुहेलदेव शिव के उपासक थे, अगर वो बिगड़ गए तो महाकाल से बड़ा कोई काल नहीं, अगर वो मान गए तो उनके जैसा कोई भोला नहीं। भारतीय परंपरा में निहत्तों पर हमला करना नागवार समझा जाता है और इसीलिए उनके बचे हुए 3 सिपाही जिन्होंने हथियार डाल दिया था उन्होंने राजा सुहेलदेव से विनती की कि इनको दफनाने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी जाए। राजा सुहेलदेव उनके धर्म का सम्मान करते हुए उनको दफनाने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी जाती है और उसके बाद सैयद सलार गाजी को उनकी सैनिकों ने वहीं के पास में दफना दिया, जो आगे चल के एक बहुत बड़े मजार में तब्दील हो गई। ये कहानी थी राजा सुहेलदेव पासी और सैयद सलार गाजी की। राजा सुहेलदेव की कहानी ऐसे ही जारी रहेगी और आपको बता दूं कि राजा सुहेलदेव पासी का इतिहास NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल था जो पूरे भारत में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये पाठ्यक्रम से हटा लिए गए। ऐसा क्या कारण है कि ऐसे वीर योद्धाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाता लेकिन आक्रमणकारियों और विदेशियों को वो इतिहास का पाठ्यक्रम बना लिया जाता है।